प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट दो दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिंबल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला अदालतों से 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। 1 सितंबर को कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी भाषण होगा। वह सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।